हेलो एवरीवन, मैं हूं वेणुगोपाल शर्मा। वेलकम टू गेट एकेडमी प्लस। और हम लोग पढ़ने वाले हैं फ्लूइड मैकेनिक्स। हमने आपको इसके प्रीवियस वीडियो में, दैट वाज अ इंट्रोडक्टरी वीडियो, ये बताया हुआ है कि हमारा अप्रोच क्या क्या रहने वाला है और हमारा सिलेबस क्या क्या रहने वाला है। तो अगर आप लोगों ने अभी तक के वो वीडियो नहीं देखा है तो आप जा करके वो वीडियो देख सकते हैं, और आपको उसके देखने के बाद पूरा क्लियर हो जाएगा कि हमारा जो सिलेबस है उसका कंटेंट क्या क्या है, हमारा जो फ्लो होगा सिलेबस का वो क्या होगा, और हम किस किस टॉपिक को कवर करने वाले हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू फ्लूइड एंड फ्लूइड मैकेनिक्स। ये टॉपिक जो है हमारा पहला मॉड्यूल का टॉपिक है, और इसका जो कोर्स कंटेंट है उसका हाईलाइट कुछ इस तरह से है। ओके, तो आई होप आपको समझ आ गया होगा कि हम लोगों का जो कोर्स कंटेंट है वो क्या रहने वाला है। तो बिना टाइम गवाए हम स्टार्ट करते हैं हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स का पहला यूनिट, पहला मॉड्यूल। तो आप देखते हैं कि जो हमारा सब्जेक्ट है इसका नाम क्या है। इसका नाम है फ्लूइड मैकेनिक्स। अब ये जो फ्लूइड मैकेनिक्स नाम है, इसमें साफ साफ दिख रहा है कि ये दो वर्ड्स से मिलकर के बना है। वन इज फ्लूइड एंड सेकंड इज मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट को समझने के लिए ये दोनों वर्ड्स को हम लोग पहले डिफरेंटली समझते हैं कि इन दोनों का क्या मतलब होता है। उसके बाद हम दोनों को मर्ज करेंगे तो हमको क्लियरली समझ आ जाएगा कि एग्जैक्टली फ्लूइड मैकेनिक्स है क्या। तो हम एक फंडामेंटल डेफिनेशन जानते हैं फ्लूइड की, जो हमने स्टार्टिंग सुनी हुई है कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। तो ये एक फंडामेंटल डेफिनेशन है हमारी, जो हम स्टार्टिंग से जानते हैं कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। अब यहाँ दो वर्ड्स पे स्पेशल थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि मैं किसकी बात कर रहा हूँ, एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो। ठीक, तो भैया सब्सटेंस क्या होता है, किसे हम सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंस ऐसे पदार्थ, ऐसे मैटर को कहते हैं जिसका एक डेफिनेट मास होता है, जो कि स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिसे आप महसूस कर सकते हैं, यानी कि दैट आर टेंजिबल। ठीक, जिसे आप फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जिन जो स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं और जिनका एक फाइनाइट मास होता है, ऐसे मटेरियल को हम सब्सटेंस कहते हैं। दैट इज, इसकी प्रॉपर्टीज अगर मैं नोट करूं तो पहली प्रॉपर्टी होगी फाइनाइट मास, देन ऑक्यूपाइज स्पेस एंड टेंजिबल, इसको आप महसूस कर सकते हैं, जिनको महसूस कर सकते हैं उनको हम टेंजिबल ऑब्जेक्ट्स कहते हैं। सो दैट इज सब्जेक्ट, दैट इज सब्सटेंस। देन व्हाट डज इट मीन बाय फ्लो, फ्लो को कैसे समझा जा सकता है, व्हाट इज फ्लो। तो ठीक है, देखते हैं भाई ये फ्लो क्या होता है। तो जो फ्लो है, हम ये तो जानते हैं कि कोई भी सब्सटेंस जो है वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से मिलकर के बना होता है। तो ये है उनके नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो जब किसी सब्सटेंस के पार्टिकल्स के रिलेटिव पोजीशन में समय के साथ जब चेंज होता है, उस केस में हम कहते हैं कि वो सब्सटेंस फ्लो हो रहा है। सो फ्लो इज नथिंग बट रिलेटिव, इट इज रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, सो दिस इज द फ्लो, दिस इज द फंडामेंटल डेफिनेशन, या फिर जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग से एक डेफिनेशन क्रिएट होती है, दैट इज द रिलेटिव चेंज ऑफ पोजीशन ऑफ पार्टिकल्स विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अगर किसी पार्टिकल का जो पोजिशन है वो टाइम के साथ चेंज हो रहा होगा तो हम ये मानेंगे कि वो फ्लो हो रहा है। ठीक है, सो अब ये चीज़ें क्लियर हो गई कि एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लूइड। हमको सब्सटेंस भी क्लियर होगा, हमको फ्लो भी क्लियर हो गया। ओके, तो अब फ्लूइड किन्हें कहा जाता है। मैंने बात की सब्सटेंस की या मैटर की, तो मैटर और सब्सटेंस हम देखेंगे तीन तरह के होते हैं। हमने स्टार्टिंग से पता है कि
जो मैटर है वो तीन तरह का होता है, एक होता है सॉलिड, एक होता है लिक्विड और फिर आता है गैस। सॉलिड लिक्विड एंड गैस। अब जो सॉलिड है ठीक है, सॉलिड को अगर आप रख देते हो कहीं पर और उस पर आप फोर्स लगाते हो, अब फिर आप ऑब्जर्व करो कि जो आपने क्राइटेरिया रखा है दैट एनी सब्सटेंस विच कैन फ्लो इज कॉल्ड फ्लू, क्या अगर आप इस पर फोर्स लगाते हो या इसे कहीं रख देते हो तो क्या सॉलिड फ्लो होता है, क्या उसकी पार्टिकल्स डिस्ट्रीब्यूशन अपने आप टाइम के साथ चेंज होती है? बिल्कुल भी नहीं। ओके, सो सॉलिड जो है दैट इज नॉट अ फ्लूड, दैट्स फॉर श्योर। तो सॉलिड इज नॉट अ फ्लूड। लेकिन अगर आप जब आप इन दो को देखते हो दैट इज लिक्विड एंड गैस, तब आपको देखोगे अगर आप लिक्विड को सपोज आप एक ग्लास में वाटर लो और उस ग्लास को टिल्ट करते हो, तो जैसे से ग्लास को टिल्ट करते जाओगे अपने आप वो ग्लास धीरे धीरे टेढ़, ग्लास के टेढ़ा होने के साथ धीरे धीरे जो वाटर है वो भी टेढ़ा होते जाएगा और आफ्टर अ पर्टिकुलर पॉइंट जो वाटर है वो अपने आप ग्लास के बाहर आकर के नीचे गिरने लग जाएगा, यानी वो अपने आप फ्लो होने लग जाएगा। सेम वैसी गैस के साथ है, जैसे हम सांस ले रहे हैं तो हम जो एयर है उसको ब्रीद इन कर रहे हैं एंड ब्रीद आउट कर रहे हैं। जब हम ब्रीद आउट करते हैं तो उसके बाद वो एक बार जो हवा हमारे हमारे नाक से बाहर निकलती है, जो सांस बाहर निकलती है वो अपने आप एनवायरमेंट में स्प्रेड होते जाती है, यानी कि एक बार फोर्स लगाने के बाद ये कंटिन्यूअसली डिफॉर्म होते जाते हैं, कंटिन्यूअसली फ्लो होते लग जाते हैं, है ना। सो फ्लो इन केस ऑफ अ फ्लूड इज कंटिन्यूअस, एक बार जो फ्लो स्टार्ट होता है वो कंटिन्यूअसली बना रहता है। तो ये जो प्रॉपर्टी जो मैंने आपको बताई कंटिन्यूअसली फ्लो होने की, ये एक लिक्विड में ऑब्जर्व की जाती है और दूसरा गैस में ऑब्जर्व की जाती है। तो इन दोनों को हम कंबाइन करके एक डिफरेंट कैटेगरी जो हमने अभी बताई फ्लूड उसमें डाल सकते हैं। तो फ्लूड दो मटेरियल्स को बोलते हैं, एक लिक्विड, लिक्विड भी फ्लूड होता है और गैस भी फ्लूड होता है। कुछ लोगों को ये कई बार डाउट रहता है कि सिर्फ लिक्विड ही फ्लूड है गैस फ्लूड नहीं है, ऐसा कई लोगों के साथ होता है। तो आज मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि जो फ्लूड है वो लिक्विड भी हो सकता है, वो गैस भी हो सकता है, ठीक है। अब हम फ्लूड को जितना हमने डिस्कस किया उसको कुछ बेसिक बुलेट पॉइंट्स में देखते हैं। तो फ्लूड को हम क्या बोल सकते हैं, तो एक फ्लूड का फर्स्ट चीज क्या होगा, उसका मास होगा, फाइनाइट मास होगा, ठीक है। और दूसरी चीज ये क्या करेगा, इसका फ्लूड का कोई शेप नहीं होगा, जैसे लिक्विड का कोई खुद का शेप नहीं होता, गैस का कोई भी शेप नहीं होता। जैसे वाटर को आप जिस वेसल में डालते हो वो उस वेसल का शेप ले लेता है, अगर वेसल सिलेंड्रिकल है तो सिलेंड्रिकल शेप ले लेगा, अगर वो क्यूबिक है तो वो क्यूबिक शेप ले लेगा। तो पानी का कोई भी शेप नहीं होता, वैसी हवा का कोई भी फाइनाइट शेप नहीं होता। तो फ्लूड की दूसरी चीज़ जो हमने हमको यहाँ से समझ आती है इस क्लासिफिकेशन से कि फ्लूड डज नॉट हैव एनी सर्टेन शेप, इसका कोई भी सर्टेन शेप नहीं होता है। इट ऑक्यूपाइज शेप ऑफ वेसल, जो वेसल है जिस भी वेसल में हम इसको पोर करेंगे उसी का शेप ये ले लेता है, ऐसी चीज को फ्लूड कहेंगे। तीसरी चीज़ क्या समझ आती है फ्लूड के बारे में, जैसे अभी मैंने आपको कुछ देर पहले एग्जांपल दिया था ग्लास में वाटर का, ग्लास को आप टिल्ट करते जाओ वाटर भी टिल्ट होता जाता है और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद जो ग्लास से ग्लास में जो वाटर था वो ग्लास के बाहर आने लग जाता है। तो ये इसको हम क्या समझ सकते हैं, इससे ये समझ आता है कि फ्लूड जो होता है ना वो फ्लूड अपने खुद के वेट के कारण फ्लो हो सकता है, सॉलिड में ये चीज़ नहीं होती है। सॉलिड को आप एकदम ज़्यादा फोर्स लगाओगे तो उसका भी मटेरियल इधर उधर जाने लगेगा, उसके भी पार्टिकल्स मूव करने लगेंगे, डेफिनेटली मूव करने लगेंगे। लेकिन जो सॉलिड है उसका इंटरमोलिकुलर फोर्स इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने खुद के वेट के कारण कभी भी इधर उधर फ्लो नहीं होता। लेकिन वाटर हो गया या कोई दूसरा लिक्विड, कोई गैसोलीन हो गया, जो आपका डीजल हो गया, कोई ऑयल हो गया, वो अपने खुद के वेट के कारण फ्लो हो सकता है। तो फ्लूड को हम क्या बोल सकते हैं, विच कैन फ्लो अंडर इट्स ओन वेट। सो दिस इज दी ब्रीफिंग ऑफ अ फ्लूड। तो हमको फ्लूड मेरे हिसाब से अब पूरी तरह से समझ आ चुका होगा कि फ्लूड क्या है, ठीक है। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट थिंग पे, दैट इज हमारा जो सेकेंड वर्ड है इस सब्जेक्ट का, दैट इज मैकेनिक्स। मैकेनिक्स क्या है, तो मैकेनिक्स इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें हम लोग फोर्स और उस फोर्स के इफेक्ट्स की स्टडी करते हैं, ठीक है। मैकेनिक्स
में हम क्या करेंगे, अगर कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के ऊपर फोर्सेस लगा रहे हैं तो उस फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका डायरेक्शन क्या होगा, ये हम लोग देखेंगे। साथ ही साथ हम मैकेनिक्स में ये स्टडी करते हैं कि उस फोर्स के इफेक्ट, जैसे कि मैंने पहले बताया था फोर्स के इफेक्ट क्या क्या होते हैं, फोर्स के कारण डिस्प्लेसमेंट होता है, किसी ऑब्जेक्ट वेलोसिटी आ जाती है, एक्सेलरेशन होता है, ठीक है। तो मैकेनिक्स में हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, इट इज़ स्टडी ऑफ फोर्स एंड इफेक्ट ऑफ फोर्स। तो फ्लूड समझ आ गया और मैकेनिक्स समझ आ गया, अब दोनों को मिला के क्या बनता है, फ्लूड मैकेनिक्स बनता है। तो व्हाट इज फ्लूड मैकेनिक्स, सो फ्लूड मैकेनिक्स जो है उसमें हम लोग फ्लूड पे लगने वाले फोर्स और फोर्स के इफेक्ट की स्टडी करेंगे, ऐसे सब्जेक्ट को कहा जाता है फ्लूड मैकेनिक्स। सो दिस इज स्टडी ऑफ इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ फ्लूड, दैट इज फ्लूड मैकेनिक्स, ठीक है। तो ये फ्लूड मैकेनिक्स की एक बेसिक डेफिनेशन हो गई। अब इसको दो पार्ट में डिवाइड किया जा सकता है, अगर ये फ्लूड फ्लो हो रहा होगा, दैट इज मोशन में होगा, तो उस केस में बोलेंगे फ्लूड डायनेमिक्स, और अगर फ्लूड रेस्ट पे होगा तो उसे कहेंगे फ्लूड स्टैटिक्स। तो फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोग अगर फ्लूड एट रेस्ट की स्टडी करेंगे, फ्लूड एट रेस्ट, फ्लूड एट रेस्ट की स्टडी करेंगे तो उसको कहेंगे फ्लूड स्टैटिक्स, दैट इज फ्लूड स्टैटिक्स। अगर फ्लूड इन मोशन की स्टडी करेंगे तो जाएगा फ्लूड डायनेमिक्स, या फिर फ्लूड डायनेमिक्स। सो ये टोटल आपके फ्लूड मैकेनिक्स सब्जेक्ट का एक बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया कि फ्लूड मैकेनिक्स में हम लोगों का क्या क्या रहता है, फ्लूड क्या होता है, आई थिंक आपको अब सब समझ आ गया होगा। अब हम देखते हैं फ्लूड मैकेनिक्स को स्टडी करने के दो अप्रोचेस, वन इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच एंड सेकेंड इज मैक्रोस्कोपिक अप्रोच। अब ये माइक्रोस्कोपिक अप्रोच और मैक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग जो फ्लूड के मोशन या फ्लूड के रेस्ट की स्टडी मॉलिक्यूलर लेवल पे जा करके करते हैं, हम उसके जो स्टडी के लिए हम लोग हर एक इंडिविजुअल पार्टिकल्स को यानी कि मॉलिक्यूल्स को हम लोग सेपरेटली एनालिसिस करते हैं, देन उनका एवरेज लिया जाता है और बेस्ड ऑन मॉलिक्यूलर बिहेवियर ऑफ द फ्लूड उसकी डिफरेंट प्रॉपर्टीज या बिहेवियर को स्टडी किया जाता है, सो दैट इज माइक्रोस्कोपिक अप्रोच। मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में क्या किया जाता है, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग मॉलिक्यूलर लेवल पे जाकर के स्टडी नहीं करते हैं, माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग जो एवरेज बिहेवियर होता है फ्लूड का, ओवरऑल बिहेवियर होता है, उसको हम लोग स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमारा जो क्लासिकल फ्लूड मैकेनिक्स है, जो फ्लूड मैकेनिक्स है बहुत ही पुराना सब्जेक्ट है, ये रोमन एम्पायर के समय से पास्कल्स देन आर्किमिडीज ने धीरे धीरे इसको डेवलप किया, उसके बाद आज हम लोग देखते हैं कि बहुत एडवांस फॉर्म में है, फिर बर्नौलीज आए, ठीक, फिर आप प्रेंडल आया वगैरह वगैरह, बहुत से साइंटिस्ट आए और आज हम लोग इतना एडवांस हो चुके हैं इसमें, हम लोग नया सब्जेक्ट पढ़ते हैं, दैट इज अ कंप्रेसिबल फ्लूड डायनेमिक्स, CFD। ओके, तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच हम लोग हमारे सिलेबस में हम लोग यूज़ करते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच है क्या चीज़, जैसा कि मैंने बताया कि एक ओवरऑल पिक्चर बस ली जाती है फ्लूड की, माइक्रोस्कोपिक लेवल पे स्टडी नहीं किया जाता है, लेकिन हमको पता कैसे चलेगा कि हमको माइक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना है या फिर मैक्रोस्कोपिक अप्रोच लगाना है, तो इसके लिए माइक्रोस्कोपिक अप्रोच को अच्छे से जानना बहुत ज़रूरी है। सो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये एज्यूम किया जाता है कि मटेरियल या जो फ्लूड है उसका जो क्वांटिटी है, उसका जो साइज है, उसके रिस्पेक्ट में या जो उसका गिवन वॉल्यूम हम लोग स्टडी कर रहे हैं उसके रिस्पेक्ट में जो उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का गैप, दैट इज़ नोन एज वॉइड्स। हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच जो खाली स्पेस होता है उसको वॉइड्स कहते हैं। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच में ये माना जाता है कि जो साइज है फ्लूड के वॉल्यूम का, उसके रिस्पेक्ट में वो जो वॉइड का साइज है वो बहुत ही नेग्लिजिबल है। जब ऐसा माना जाता है तो इस केस में ये अज्यूम कर लिया गया कि देर इज़ नो वॉइड और जो मॉलिक्यूल्स हैं वो कंटिन्यूअस हैं,
कैसे हैं? कंटिन्यूअस हैं, तो दैट इज कॉल्ड कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास। सो व्हाट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास? दैट इज देयर आर नो वॉइड्स बिटवीन मॉलिक्यूल। ये एक कुछ नहीं है, सिर्फ एक assumption है, एक assumption है जो हम apply कर सकते हैं किसी भी fluid पे। लेकिन ये assumption भी हम लोग कहीं भी obtain करके exact result नहीं ला सकते, तो हमको पता होना चाहिए कि ये approach हमको कब लगाना है। तो इस approach को लगाने के लिए एक dimensionless parameter हम लोग use करते हैं, that is known as Knudsen number, नंबर। इसको रिप्रेजेंट करते हैं के यू से, ठीक है। नुड्सेन नंबर इज रेशियो ऑफ, तो हम देख सकते हैं कि जो नुड्सेन नंबर है दैट इज रेशियो ऑफ मीन फ्री पाथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। व्हाट डज इट मीन बाय मीन फ्री पाथ? ये मीन फ्री पाथ क्या होता है इसको आइए समझते हैं। हम जानते हैं कि जितने भी ऑब्जेक्ट हैं इस यूनिवर्स में वो एटम्स से या आयन मॉलिक्यूल्स से मिलके बने हैं। तो लिक्विड्स में एंड गैसेस में जो मॉलिक्यूल्स हैं उनके बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग नहीं होता है एज द सॉलिड्स। तो मॉलिक्यूल्स जो हैं वो ट्रेवल करते रहते हैं, ठीक है, उनके बीच कोई भी स्ट्रांग बॉन्ड ना होने के कारण। तो ये जो मीन फ्री पाथ है, जब कोई मॉलिक्यूल फ्रीली मूव कर रहा हो तो फ्लूड जो होता है वो अपने स्पेस में जो उसके पार्टिकल्स हैं उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में कोलाइड होते रहते हैं, टकराते रहते हैं। तो जब एक मॉलिक्यूल दूसरे मॉलिक्यूल से टकराता है फिर तीसरे मॉलिक्यूल से टकराता है तो इसको बोलते हैं दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स। इन दो कॉन्सिक्यूटिव कोलिजन्स के बीच में ये जो मॉलिक्यूल है जितनी लेंथ ट्रेवल करता है या जो डिस्टेंस ट्रेवल करता है दैट डिस्टेंस और दैट लेंथ इज कॉल्ड मीन फ्री पाथ, मीन फ्री पाथ लैम्डा। ओके, नाउ इट इज क्लियर कि मीन फ्री पाथ क्या होता है। अब देखते हैं कैरेक्टरिस्टिक लेंथ क्या होता है। कैरेक्टरिस्टिक लेंथ वो लेंथ है जिस लेंथ में हम लोग फ्लूड को एनालाइज कर रहे हैं। जैसे यहां पर फ्लूड फ्लो हो रहा है तो इस पर्टिकुलर लेंथ के अंदर मैं इस फ्लूड को एनालाइज कर रहा हूं, तो ये जो लेंथ है दैट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। और कैरेक्टरिस्टिक लेंथ, सॉरी, मीन फ्री पाथ एंड कैरेक्टरिस्टिक लेंथ का जो रेशियो है दैट इज कॉल्ड नुड्सेन नंबर। अब ये नुड्सेन नंबर ही डिसाइड करेगा कि ये कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास है या नहीं है। अगर नुड्सेन नंबर की वैल्यू दैट इज के यू की वैल्यू अगर लेस देन 0.01 आती है तो हम इसको मान सकते हैं कि जो वॉइड्स हैं मटेरियल के बीच में या मॉलिक्यूल्स के बीच में वो नेग्लिजिबल हैं और उस केस में हम उसको कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, या फिर इसी को दूसरे शब्दों में कहते हैं कंटिन्यूम, इसको हम मान सकते हैं अगर नुड्सेन नंबर लेस देन 0.101 हो तब। तो माइक्रोस्कोपिक अप्रोच क्या है? माइक्रोस्कोपिक अप्रोच वो अप्रोच है जिसमें हम लोग ये मानते हैं कि जो फ्लूड का साइज है या फ्लूड का वॉल्यूम है उसके कंपेयर में उनके मॉलिक्यूल्स के बीच का जो गैप है, जो वॉइड है, दैट इज नेग्लिजिबल इन डायमेंशन, और उसके डायमेंशन को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं और ये मान लेते हैं कि जो पूरा फ्लूड है दैट इज कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास एंड दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूम। ओके, दैट इज ऑल्सो नोन एज कंटिन्यूम। नाउ कंटिन्यूम मानने से फ़ायदा क्या होता है? आप लोगों को एक चीज़ समझ आ रही होगी, अगर गैप है बीच में तो जो भी प्रॉपर्टी हो, डेंसिटी हो, मास हो, स्पेसिफिक वॉल्यूम हो, जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, वो सभी डिसकंटिन्यूअस रहेंगी। और क्योंकि मैक्रोस्कोपिक अप्रोच में हम लोग फ्लूड के ऊपर मैथमेटिकल अप्रोचेस, इंटीग्रेशन, डिफ्रेंशिएशन एक्सेट्रा हम लोग लगाते हैं। इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन करने के लिए अगर हमको आसानी चाहिए तो बेसिकली होना ये चाहिए कि जो भी फंक्शन है दैट हैज़ टू बी अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ओके, तो स्पेस कोऑर्डिनेट्स या हर लोकेशन पे अगर ये जो मॉलिक्यूल्स का स्ट्रक्चर है
वो अगर डिसकंटिन्यूस होगा, बीच बीच में वॉइड्स होंगे, तो उनको इंटीग्रेट करना या डिफ्रेंशिएट करना और एक इक्वेशन फॉर्म करना उनके बिहेवियर के लिए बहुत ही मुश्किल होगा। सो उस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम है ये काम आता है। और ये कब लगेगा, तो यहाँ पर नोट डाउन कर सकते हैं कि नुट्सन नंबर जब 0.01 से कम होगा उस समय हमारा ये जो सब्सटेंस है दैट विल बी एक्ट लाइक अ कंटिन्यूम। लेकिन अगर नुट्सन नंबर 0.01 से ज़्यादा हो और 10 से कम हो तो इसको कहते हैं स्लिप फ्लो। स्लिप फ्लो, स्लिप फ्लो का मतलब क्या है, देखो स्लिप फ्लो और कंटिन्यूम में थोड़ा सा डिफरेंस ये है, कंटिन्यूम में ये माना जाता है अगर नुट्सन नंबर लेस देन 0.01 है तो ये माना जा सकता है कि किसी सॉलिड बाउंड्री में, किसी सॉलिड सरफेस के ऊपर अगर लिक्विड फ्लो हो रहा होगा किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो जो पहला पार्टिकल इस सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आएगा वो इस सॉलिड बाउंड्री से चिपक जाएगा, एडहर हो जाएगा उसके ऊपर, और इस सॉलिड पार्टिकल की जो वेलोसिटी है वो जीरो हो जाएगी। ऐसा कहाँ माना जाता है, व्हेन के यू इज लेस देन 0.01, यानी कि जब वो एक कंटिन्यूम की तरह बिहेव कर रहा है, इट इज कॉल्ड, ये मान लेना कि जो मॉलिक्यूल है वो सॉलिड बाउंड्री से एडहर हो चुका है, चिपक चुका है, उसकी वेलोसिटी जीरो हो चुकी है, इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन, इसको कहते हैं नो स्लिप कंडीशन। लेकिन नुट्सन नंबर अगर 0.01 और 10 से के बीच में होगा तो उस केस में ये होगा कि जब सॉलिड सरफेस के ऊपर फ्लूड फ्लो होगा तो सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आने वाले फ्लूड पार्टिकल्स की वेलोसिटी यानी कि यू जीरो के बराबर नहीं होगी। ठीक, तो ऐसा देखने को, ये ऐसा बिहेव कर रहा है कि ये जो मॉलिक्यूल्स हैं इन सरफेस के ऊपर स्लिप हो रहे हैं, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड स्लिप फ्लो। तो स्लिप फ्लो में ये होगा कि जो सॉलिड बाउंड्री के कांटेक्ट में आने वाले फ्लूड पार्टिकल्स हैं उनकी वेलोसिटी जीरो नहीं होगी, सो दैट इज कॉल्ड अ स्लिप फ्लो। अब अगर नुट्सन नंबर 10 से ज्यादा होगा तो इसको कहेंगे फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो, फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो। अब ये फ्री मॉलिक्यूलर फ्लो में ऐसा है कि नुट्सन नंबर देखो 10 आ गया, और नुट्सन नंबर होता क्या है, नुट्सन नंबर इज मीन फ्री पाथ अपॉन कैरेक्टरिस्टिक लेंथ। ये 10 आ रहा है, इसका मतलब यह है मीन फ्री पाथ बहुत बड़ा है, मीन फ्री पाथ बहुत बड़ा है तो इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर्स की जो स्पीड है और उनके बीच का जो गैप है वो इतना ज़्यादा है कि उनको एनालिसिस करना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल है। उस केस में हम लोगों का मैक्रोस्कोपिक अप्रोच बिल्कुल भी काम नहीं आएगा। ठीक, सो दिस वॉज द कॉन्सेप्ट ऑफ कंटिन्यूम, दैट इज कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन मास एंड मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक अप्रोच ऑफ फ्लूड मैकेनिक्स। अब हम देखते हैं कि फ्लूड में किस किस तरह के फोर्स होते हैं। तो फ्लूड में हम लोग देखेंगे कि दो तरह के फोर्स होते हैं, फर्स्ट इज सरफेस फोर्स एंड सेकेंड इज बॉन्ड, दैट इज बॉडी फोर्स, ऑल्सो नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब नाम से समझ आ रहा है सरफेस एंड बॉडी, तो सरफेस पे जो फोर्सेस एक्ट करेंगे किसी भी फ्लूड के, सरफेस पे जितने भी तरह के फोर्सेस आएंगे, एक्सटर्नल फोर्सेस और इंटरनल फोर्सेस, दैट इज कॉल्ड सरफेस फोर्स। सेम थ्रू आउट द मास ऑफ द फ्लूड, पूरी उसकी बॉडी में जो फोर्स एक्ट करेगा दैट इज कॉल्ड बॉडी फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स। तो बॉडी फोर्स जनरली ग्रेविटी के कारण होता है, जैसे कि मैं मेरी बॉडी सॉलिड बॉडी है, मेरी बॉडी पे जो फ्लो जो फोर्स एक हमेशा एक्ट कर रहा है दैट इज़ व्हाट, हम लोग ये एज्यूम कर सकते हैं कि हम लोग एक हवा से बने हुए ओशन में हम लोग डूबे हुए हैं। राइट, हम धरती के सरफेस पे हैं, अर्थ के सरफेस पे, और अर्थ के सरफेस से ऊपर जो स्पेस है उसके बीच में क्या है, हमारा एटमोसफियर है। एटमोसफियर किससे मिलकर बना है, एयर से मिलकर के बना हुआ है। तो हर टाइम चाहे हम कभी भी कहीं भी हो, हमारे ऊपर एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ प्रेशर होती है, दैट इज कॉल्ड एटमोस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, वो एटमोस्फेरिक प्रेशर हमारे ऊपर हमेशा लग रही होती है और हमको सर्वाइव करने के लिए उतने प्रेशर की हमेशा ज़रूरत होती है। इसी कारण अगर हम लोग कभी किसी माउंटेन पे चढ़ते हैं तो ऊपर जाने के साथ जब ये प्रेशर घटता है तो हमको सांस लेने में तकलीफ होती है। तो खैर, अगर मैं यहाँ पर इसको डिफाइन करना चाहूँ तो आप आराम से समझ सकते हैं, मेरे सरफेस पे जो एटमोसफियर है वो हमेशा एक प्रेशर लगा रहा है और ये प्रेशर मेरे बॉडी के सरफेस पे एक्ट कर रहा है, सो दैट प्रेशर इज अ सरफेस फोर्स, दैट इज अ वन एग्जाम्पल ऑफ सरफेस फोर्स। सेम वैसे ही मेरे बॉडी का एक फाइनाइट मास है और इस मास के कारण ये जो अर्थ है मुझ पे एक ग्रेविटेशनल पुल हमेशा लगा रही है। ठीक है,
वो ग्रेविटेशनल पुल जो है दैट इज द बॉडी फोर्स. बॉडी फोर्स जो होता है वो कभी भी मटेरियल या फ्लूड की क्वांटिटी के कारण होता है. कुछ लोगों को लगता है कि मास और वेट सेम है, मास डिफरेंट चीज़ है. वेट इज वॉट, वेट और मास में अगर डिफरेंस समझे तो ध्यान से सुनना, जो मास है दैट इज मेजर ऑफ क्वांटिटी ऑफ फ्लूड. मास ये बताता है कि फ्लूड की क्वांटिटी या किसी भी सब्सटेंस की क्वांटिटी कितनी है, वेट नहीं बताता. वेट बताता है कि अगर उतनी क्वांटिटी कलेक्ट हो जाए तो वो कितना फोर्स एग्जर्ट कर सकती है एज पर द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ दैट एटमोसफियर. हम अगर 1 kg ऑफ फ्लूड को अर्थ पे रखेंगे तो वो अलग फोर्स अलग वेट एग्जर्ट होकर देगा, और अगर उसी को हम मून पे ले जाएं या किसी दूसरे प्लैनेट पे ले जाएं तो वो डिफरेंट वेट वो दिखाएगा अपना. ठीक है, तो मास इज द मेजर ऑफ क्वांटिटी. आप उसको कहीं भी लेकर के चले जाओ, आप उसको अर्थ पे मेजर करो या आप उसको मून पे मेजर करो या आप सन पे मेजर करो, आप किस कहीं भी चले जाओ, जो मास है दैट विल नॉट चेंज. एंड दैट मास विल नॉट चेंज, दैट इज कॉल्ड कंजर्वेशन ऑफ मास. मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड, इट इज नॉट डिस्ट्रॉयड. ठीक है, तो क्लियर हो गया कि मास है दैट इज यूनिट ऑफ क्वांटिटी. एंड देन वॉट इज वेट? वेट इज द मेजर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जर्टेड बाई अ गिवन मास. ठीक है, एक पर्टिकुलर मास कलेक्ट होने पे जितना फोर्स एग्जर्ट करता है दैट इज कॉल्ड वेट. और ये ग्रेविटेशनल पुल पे डिपेंड करता है कि उस पर्टिकुलर प्लैनेट पे, उस पर्टिकुलर सरफेस पे ग्रेविटेशनल फोर्स कितना है. तो आई थिंक क्लियर हो चुका है कि सरफेस फोर्स एंड ग्रेविटी फोर्सेस क्या है. तो सरफेस फोर्स वो है जो कि सरफेस पे एक्ट करते हैं, और जो बॉडी पे एक्ट करते हैं दे आर ग्रेविटेशनल फोर्स और बॉडी फोर्स.